प्रोग्राम में एक दफा फिर खुश आमदीद। लाहौर की एक खातून ने बैरून मुल्क से रकम कमाकर आने वाले अपने खावन से भारी रकम हथियाने के लिए अपने ही बेटे के अगवा का ड्रामा रचाया और 8 लाख रुपए तावान मांग लिया। उसकी प्लानिंग तो मुकम्मल थी, इसके बावजूद वो कैसे पकड़ी गई, आइए देखते हैं। कोलकाता के रहायशी सऊदी अरब पलट अब्दुल हफीज के 13 साल बेटे मोहसिन रजा को 2 मई को नामालूम अफराद ने अगवा करके 8 लाख रुपए तावान तलब कर लिया। पुलिस ने मगवी के मामू फरक शहजाद की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस ने मुलजमान के मोबाइल फोन नंबर की लोकेशन चेक करवाई और उसके जरिए एक घर पर छापा मार कर मगवी को बाजियाब करा लिया तो इंकशाफ हुआ कि अगवा करवाने वाला कोई और नहीं उसकी अपनी ही हकीकी माँ थी, जिसने खावन से रकम हथियाने के लिए बेटे के अगवा का ड्रामा रचाया था। मुतलका जो हमारी पुलिस को लखपत की थी वो भी काम कर रही थी और CIA भी साथ कट आए थे, पर वो कॉल डाटा से जब हमें डिटेल्स का पता चला तो वो उस मोबाइल का कसूर हम गए, वहाँ से वो मोबाइल जो है वो इसी के मामू के से बरामद हो गया घर से। तो जब उससे पता किया तो फिर उन्होंने ये बच्चे को कोट लखपत में एक घर किराए पर लिया हुआ था, वहाँ से इसको छुपाया हुआ था उन्होंने, वहाँ पर वहाँ से इस बच्चे को बरामद किया। लड़के मोहसन ने पुलिस को बताया कि उसकी मां ने उसके बाप से भारी रकम लेने के लिए ये ड्रामा किया, उसने मजबूरन मां का साथ दिया। पुलिस ने मुलजमा को हिरासत में ले लिया है। मेरी वालदा के साथ मेरी बात हुई तो वो कह रहे थे हम लोग ना आपके पापा से पैसे लेंगे तो ऐसे ऐसे हम लोग मकान किराए पे लेंगे तुम्हें वहाँ पर रखेंगे। मैंने कहा ठीक है, तो वो फिर मुझे वहाँ पर रख दिया, तो उसके बाद मुझे नहीं पता क्या बात हुई। अच्छा, वालदा ने आपके दिन पैसे करने क्या थे ये कोई उन्होंने बताया आपको? उन्होंने कहा था कुछ आपको कारोबार करा देंगे, कुछ बैंक में जमा करा देंगे, हम कुछ मकान ले लेंगे किराए पर रहना। उन्होंने कहा था कुछ हम मकान ले लेंगे गिर भी। अमंत के साथ बेसिकली कोई इख्तलाफ था और उसी से वो पैसे लेना चाहती थी और उन्होंने इसको एक ड्रामाई शक्ल दे के तो अगवा का टीकाकार में बनाया। फिर तो उसके बाद अपने भाई जो है इसकी वालदा जो मोहसिन का मामू है उसके थ्रू उन्होंने वो फोन करना शुरू कर दिया, काले जी 8 लाख रुपया हमें तवान चाहिए। पुलिस हुकाम का कहना है कि तफ्तीश की जा रही है कि मुलजमा के साथ इस वाकये में और कौन शरीक था। मुकदमे का चालान जल्द ही मुकम्मल करके अदालत में भिजवा दिया जाएगा। कैमरामैन मिर्जा मोहम्मद ताहिर के साथ आमिर शहजाद समा, लाहौर। रावलपिंडी की 18 साल मिसबा 2 माह से लापता है। उसके वालिदैन ने अपने मालिक मकान पर उसके अगवा का मुकदमा दर्ज करवा दिया, मगर पुलिस वाले कहते हैं कि उसने पसंद की शादी कर ली है। आखिर असल हकीकत क्या है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। रावलपिंडी की 18 साल लड़के मिसबा घर से उस वक्त गायब हो गई जब इसके तमाम अहले खाना घर में मौजूद नहीं थे और आज 1.5 माह मुकम्मल हो चुके हैं लेकिन इसका कुछ पता न चल सका। थाना सादकाबाद की पुलिस ने लापता होने वाली मिसबा के बाप की मुदय्यत में मुकदमा दर्ज कर लिया। दरखास्त में लिखा गया कि मिसबा को घर के मालिक मकान 65 साल मोहम्मद शरीफ ने अपनी बीवी 14 साल बेटी के साथ अगवा कर लिया है। बाजार गए थे सामान वगैरह लेने तो तकरीबन हम आधा घंटा बाद आए हैं घर, तो बाहर से दरवाज़ा देखा है तो उसे ताला लगा हुआ था। हमने देखा है तो ऊपर भी मैं गया हूँ, लाइट नहीं थी, मैंने समझा कि ऊपर गई हो शायद, ये मालिक मकान है उनके घर, तो मैं छत पे गया हूँ, देखा है मैंने तो मैंने आवाज़ें भी काफ़ी लगाई हैं तो वो ऊपर नहीं थी। थाने भी गए हैं जनाबन, ना थाना सुनना ना पुलिस सुननी जनाबन, कल जनाब अदालत 2 दफ़ा गए हैं, इन्होंने जमानत भी कैंसिल हुई हैं, अदालत भी साढ़ा ना कोई नहीं किया, पुलिस भी अजा तक कोई नहीं, असी ही गल चाहते हैं कि असा और कुछ भी नहीं, साड़ी बची आप यहाँ से सैनू मिल जावे। पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ी तो पता चला अब्दुल रशीद से शादी कर ली है। शादी जिला मुजफ्फरगढ़ के इलाके कोटद्दू में हुई। मुकदमे के तफ्तीशी अफसर ने निकाह नामे की तस्दीक भी करा ली। हमने वहाँ पे हसनपुर में जाके मकामी लोगों से और उसके अलावा जो यूनियन काउंसिल की सेक्रेटरी है उनसे भी रब्ता किया, उन्होंने हमें निकाह नामे की तस्दीक करवाई है। उसके बाद उस लड़की ने हमसे कोई रब्ता तो अभी तक उनका नहीं हो सका, हम अपने तौर पर पूरी कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे हमने एक दफ़ा उनको तलाश की है, वो नहीं मिल रहे वहाँ पे, लेकिन
कोर्ट में उस लड़की ने अपने वालिद के खिलाफ एक दफ़ा एप्लीकेशन दे चुकी है और उसमें उसने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मेरे वालिद, मेरा भाई और मेरे जो यहाँ पे मकामी पुलिस है वो मुझे हरासा कर रहे हैं, हालांकि मैंने अपनी मर्जी से शादी कर ली है। लड़की के वर्सा ने FIR में इसकी उम्र 18 साल दर्ज कराई, तहम बाद अजां दावा किया गया कि मिसबा की असल उम्र सिर्फ 15 बरस है, लिहाजा इसके निकाह की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। झूठा निकाह नामा मतलब इन्हें पेश किया, अगर इन्हें सच बचिया से सामने करो बचिया कि जी मैं अपनी मर्जी सारा कुछ किया तो असं कोई भी गल ना कर। इन्होंने वड्डी बेटी जी उसने सारी कार्रवाई उसी अगवा करवाई, सारा कुछ इन्हें किया है, सारा कुछ झूठे निकाह नामे सब कुछ पेश कराने पैन, मेरी बच्ची नहीं सामने करने पैन। पुलिस की डेढ़ माह की तफ्तीश के मुताबिक अब तक FIR में नामजद चार मुलजिमान का वाकये से कोई ताल्लुक नहीं है, जबकि असल हकीकत लड़की के बयानात मुकम्मल होने पर सामने आएगी। लड़की के बयान ये कि उसने अपनी मर्जी से शादी कर ली है, अब उसमें हमारे पास लीगल पोजीशन इस केस की फिलहाल ये है कि जिन बंदों के खिलाफ, जिन लोगों के खिलाफ चार नामजद जो लोग जिनके खिलाफ FIR करवाई गई है उनका इस मेरी तफ्तीश के मुताबिक इस केस से कोई कंसर्न नहीं है। मिसबा के अगवा का मामला हल होने के करीब है, ताहम पसंद की शादी करने पर दूसरे फरीक पर अगवा का मुकदमा दर्ज करा देना मामूल बनता जा रहा है। कैमरामैन नदीम शेख के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा रावलपिंडी। लाहौर में एक निजी कंपनी के जनरल मैनेजर और उनके अहले खाना पर एयरपोर्ट से वापस आते हुए नामालूम अफराद ने गोलियों की बौछाड़ कर दी, आइए देखते हैं उन पर क्या गुजरी। लाहौर के इलाके ठोकर न्याजबे के रहायशी टेवटा के जनरल मैनेजर जवेद इकबाल अल सुबह एयरपोर्ट से अपने अहले खाना को लेकर घर आ रहे थे और अभी वो गार्डन टाउन अंडरपास के करीब पहुंचे ही थे कि दो नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने इशारे से उन्हें रुकने का कहा, लेकिन उन्होंने गाड़ी को भगा दिया, जिस पर उनमें से एक नौजवान ने गाड़ी पर अंदाजन फायरिंग कर दी और मौका से फरार हो गए। रात को 2:30 बजे फ्लाइट आई है लंदन से, तो वहाँ से रास्ते में मैकडोनल्ड रुके हैं, वहाँ से कोई बंदा मोटरसाइकिल वाला पीछे लगा है, तो जब मुस्लिम टाउन अंडरपास पे पहुँचे हैं तो वहाँ पे कुछ 2-3 मोटरसाइकिल वाले थे जिनके हाथ में पिस्टल थे, ठीक है जी। इन्होंने दूर से देखते हुए गाड़ी को ब्रेक लगाई है, जब ब्रेक लगाते लगाते पास पहुँचे हैं तो इमीडिएट उधर से फायर 2 हुए हैं और वहीं से फिर डॉक्टर हॉस्पिटल आ गए और वहीं पे डेथ हुई है। वो एयरपोर्ट से वापस आ रहे थे, रास्ते में चंद मोटरसाइकिल सवार जो थे उन्होंने उनका पीछा किया है और गुलजार अंडरपास के ऊपर नहर के करीब उन्होंने फायरिंग की, जिससे जो जवेद इकबाल साहब हैं फौत हो गए। अभी यही बात सामने आई है किस वजूहात की बिना पे ये मर्डर हुआ, कत्ल हुआ, अभी हम उसके बारे में कोई बात नहीं बता सकते। पीछा किया जा रहा था ये बात दुरुस्त है, वो मुख्तलिफ एविडेंसेस से हमारी ये बात हमारे सामने आई है। टारगेट किलिंग है, ये टारगेट किलिंग के बारे में भी कुछ नहीं कह सकते। फायरिंग से जवेद इकबाल के अहले खाना तो महफूज रहे, लेकिन वो फायरिंग की जद में आकर शदीद जख्मी हो गए, उन्हें जिनाह अस्पताल पहुँचाया गया लेकिन वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए। मकतूल के इंतकाल की खबर पहुँचते ही इनके अजीज व अकारिब की बड़ी तादाद उनके घर पहुँचना शुरू हो गई है। किलिंग हुई है, टारगेट किलिंग थी या कैसी किलिंग थी पता नहीं है, लेकिन जो कुछ हुआ है, कोई सिक्योरिटी नहीं है हमारे मुल्क में, कोई सिस्टम नहीं है और मेरी फैमिली तबाह हो गई है। बाप क्या होता है वो आप सारी, अब कौन नहीं जानता बाप की क्या इंपॉर्टेंस होती है। सुबह एयरपोर्ट से आते हुए नहर के ऊपर कुछ लोगों ने फायरिंग करके उनको ज़ख्मी कर दिया और बाय द टाइम मेरी हॉस्पिटल तो उनकी डेथ हो गई थी और इस वक्त पोस्टमार्टम के लिए वेट कर रहे हैं हम लोग और मोस्ट प्रोबेबली जनाजा उनका कल होगा, उनके भाई ने इंग्लैंड से आना है उसके बाद। पुलिस का कहना है कि लाश पोस्टमार्टम के लिए जमा करा दी गई है जबकि तमाम पहलुओं पर तफ्तीश की जा रही है। कैमरामैन खावर महमूद के साथ गालिब अब्बास, समा लाहौर। क्राइम सीन अपने अख्तिताम को पहुंचता है, इस सिलसिले में अगर आप हमें कोई राय देना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप फेसबुक पर भी हमसे रابطہ कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाजत दीजिए और देखते रहिए समा।